चने कहते भी खोया बना लेते हैं। मैंने कहा चले। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भैया, क्या हाल चाल है आपका? मैं ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करते हैं कि आप सब बहन भाई भी ठीक ठाक होंगे। तो लाइट भी जाने वाली है और अभी आटा भी गूंदना है, रोटी बनानी है। दाल मैंने बना ली है, किसकी? ये मूंग मसूर की दाल। ये काली मिर्च मैंने कही ऐड कर दूँ थोड़ी सी, क्योंकि मैंने लाल मिर्च कम डाली है। और ये गर्म मसाला, सारा नमक तैयार है बिल्कुल। और इधर दो जनसा ये फट गया था, तो इसके जनसा ने कहते भी खोया बना लेते हैं। मैंने कहा चले। तो खाला हमारी आई है, मैंने कहा खाला आपको चाहिए आप ले जाए बना के, क्योंकि अगर गैस तो है नहीं, तो मैंने कहा मैंने फेंक देना है, मेरे इतनी हिम्मत नहीं है। चले पकता रहेगा ऐसा ऐसा और कर लेंगे, क्योंकि नहीं पता लगा कि उन मोहम्मद को चोट लगी है और घर से मोबाइल भी उठ गया, कपड़े भी चोरी हो गए। फिर वो भी आई यार पता करने के लिए। मैंने कहा भाई किसे कहें, किसी ने उठाया? क्योंकि मैंने जब देखा ही नहीं किसी ने उठाया, लेकिन अल्लाह ने तो देखा है ना। मैंने नहीं देखा, अल्लाह ने देखा। अल्लाह के घर तो जवाब देंगे, क्या जी हमने ये चोरियाँ की हैं। मरने से पहले कहेंगे हमारी कब्र में ना ये चीज़ें रख दें, हमने जब दफन होना है, या वो कब्र में भी नहीं जाएंगी वो तो। जी खोया बनकर तैयार हो गया, अल्लाह ने बना भी लिया बड़ी जल्दी। तो क्योंकि पतीला थोड़ा पतला इसलिए नीचे लग गया होगा ये ना। बर्तन मामू जी आ गए। हाँ जी, तो भाई के बोले चिंगोट, तो फिर जैसे चिंगोट से वो आए, मैंने दाल पहले ही मैंने बना ली थी। तो क्योंकि सब्जी वाला कोई भी नहीं आया था जो मैं सब्जी बनाती, फिर मैंने कहा चले अब जो सा ना दाल मूंग और मसूर की बना लूँ इस वक्त। और क्योंकि जाहिर है खाना तो खाना होता है, भूख तो लगी होती है ना। फिर अब जो सा ना बाद में भी मैंने सब्जी ले ली, ये प्लेट और फिर रोटी भी लेके जाते हैं। मम्मा तेल लगाने लगे हम झाड़ू। हाँ जी, सालन मैंने बनने के लिए रखा है। मैंने कहा जब तक सालन बनता है ना तब तक मैं जनता नहीं आते ना। जी क्या पकाने लगी हो? बेटा मैंने दाल बननी रखी है, मैंने कहा दाल बन जाएगी ना तो फिर मामू भी पहुंच जाएंगे आपके, तो उन्होंने भी खाना खाना है, फिर आपके पापा भी आ जाएंगे, तो या फिर दाल चावल देखते हैं या फिर साथ में रोटी बना लेंगे। मुझे दाल रोटी सही है। दाल रोटी सही है जी। चलो ऐसे कर लेते हैं। तो जूते मैंने ये यहाँ पे रखे हुए, चल पहले का नहीं है ये, लेकिन अभी सर यहाँ पे मैंने चटाइयाँ वगैरह तो धुल चुकी थी, लेकिन बिछाने का टाइम नहीं लगा चटाइयाँ भी। तो कैसा अचार भी ले आओ बेटा, ठीक है जी, जल्दी से खाना खा लो अब। क्यों आ जाओ? नहीं खाया आपने, आ जाओ मैं आपको खाना खिलाऊं। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, चनु मनु। तो तीन जली है, तो बाजी दानी आई है, कहती मुझे उन मोहम्मद का पता चला, वीडियो देखी, चोट लगी और कपड़े भी चोरी हो गए, सब आ रहे हैं। मैंने कहा कपड़े भी मैंने तो सुन के बहुत ज्यादा दुख होया, कपड़े का भी। तो बाजी दानी हद नहीं है वैसे, हद ही होगी है, हद नालो वध कर ली इन्होंने मोहल्ले ने। आखिर है तो एक बंदा, लेकिन बदनाम पूरा मोहल्ला हो गया है, तो मोहल्ले का ही, बाहर का तो नहीं है, बाहर का तो नहीं है। तो मैंने भी ये बात की है वीडियो में, मैंने ये कहा मोहल्ले वालों को भी ये कहा, मैंने कहा भाई मैं ना सब पे शक नहीं कर रही, मैं सिर्फ उसे कह रही हूँ कि जिसने चोरी की है अल्लाह उसे हिदायत दे। कितना नुकसान होता है, जाहिरी दुख बहुत ज्यादा दुख, मैं कहनी है कि तो सोच ही नहीं सकते। इतनी गल मैं कीती है खलो के, मैं ना आओ, मैं अपने घर नहीं, जब मैं किसी घर च नहीं जाती ना बेदानी, मेरे ना वीडियो का टाइम हुंदा है, खान पकान तो टाइम नहीं हुंदा घर, ठीक है जी, तुम सारे मेरे को आ जाते हैं, फिर मेरे मौका ही नहीं मिलता किसी जाने का, मैं कहने अगले हूं भी जाने का टाइम ही नहीं, तुम कितने दिन बाद चक्कर लाया, ठीक है कदों टाइम मिलता, कोई नहीं मिलता, और कम से कम को 20 दिन बाद थोड़ा चक्कर लग गया अजे। एक घर का काम कर लो, फिर कोई अपने बहन भाई आ जाता है, उन्होंने टाइम देना, उन्होंने टाइम देना, चाय वगैरह, चाय का टाइम है चाय बना के देवो, खाने का टाइम है खाना बना के देवो, बस बाकी अल्लाह इन्होंने सारे हिदायत दे, जिन्हें चुके ने बादल
मेरे मुंह च दुआ तो नहीं निकलती। जे अगर मैं बददुआ नहीं देंदी ना तो मैं दुआ भी नहीं देंदी। दुख तो बहुत है, दुख तो बहुत है। क्या मैं बददुआवां तो मैं दित्तियां ने, लेकिन बाद च मैं क्या मैं कल्ला सोने, मैं कह नहीं मैं बददुआवां दे के गलत किया है, लेकिन मेरी चीज गई है इस टाइम। मेरा कहते ने ईमान भी बड़ा कमजोर हो जाता फिर इंसान का, फलाने चुक लिया फलाने चुक लिया फलाने चुक लिया, बस बाकी अल्लाह बेहतर करे जो भी करे। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਦਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਲੂਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਲੂਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲੱਗੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੋਚਣ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਜ਼ਿਲਾ ਬੇਟਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਕਦ ਹੈ? ਪੇਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿ ਚੌਥੇ ਦਿਨ? ਹਾਂਜੀ। ਓਏ ਫੋਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅਯਾਨ, ਓਏ ਅਯਾਨ ਇਧਰ ਇਧਰ ਦੇਖੋ, ਇਧਰ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਦੋ, ਬਾਏ 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 ਕਦੋ। इतने सारे गिफ्ट ये कहाँ से आए हैं, किसने भेजे हैं, तो मैं बताऊंगी कि किसने ये गिफ्ट हमें भेजे हैं। और ओन मोहम्मद भी आ गया और बजरानी भी आ गई, और मोहम्मद जा नमाज लेके अपनी नमाज अदा करके आए छोटे रूम में। तो जी ये गिफ्ट जो हमसे है ना, ये पता क्या बात है, मैं जब भाई आया ना चनी ओर से, मैंने समझा कि मेरे लिए गिफ्ट है, मेरे लिए तो जो आया है वो मैं बाद में दिखाऊंगी। और ये पता क्या चीज है, ये भाई के ना दुकान का कोई सामान है, ये दुकान का सामान है, मैं समझा चनियोर से है, लेकिन ये चनियोर से नहीं है, ये यहीं से वो लेके आए। उन्होंने कहा कि जनसर दुकान में जो सामान वगैरह डाला ना, ट्रॉफियां ये वो सारा सामान, तो उन्होंने ये वो वाला सामान लिया। ये मेरे गिफ्ट नहीं है, क्योंकि मैंने तो समझा था कि मेरे गिफ्ट है, और मैं इतने गिफ्ट को देख के हैरान हो गई। जब मैंने सर पे देखे, मैंने कहा काफी सारे गिफ्ट आ गए, मैं भाई से भागती जब अंदर आई देखा तो फिर कुछ भी नहीं, भाई कहते खुश ना हो आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो जी अब मैं बना दी चाय, खाना हमने सबने खा लिया, चाय बनाने लगे थे, तो फिर बाजी रानी आ गई, तो मैंने कहा चले बाजी भी चाय पी लें, और चाय बनाते हैं, बताया आपको कि मोहम्मद को पता लेने के लिए आई है, तो कह रही नहीं चाय पी के आई, मैंने कहा नहीं थोड़ी थोड़ी पी लेते हैं सब मिल के बैठ के। अच्छा बड़ी गल है, मैं कहा नहीं थोड़ी थोड़ी जी हो जाए ना ज्यादा ना, चलो थोड़ी तो पीनी चाहिए, क्योंकि बीपी मेरा हाई है अब, और पर हम अपनी वर्किंग पे वो वहां गए अपने काम पे, तो जैसे ही आएंगे फिर जाएंगे, फिर जो मेरा उनके साथ एक शुगर मेले वाला बनता है ना व्लॉग, तो वो मुझसे ना अकेले नहीं बनता, क्योंकि हम दोनों की नोक छोक होती रहती है, हंसी मजाक होता रहता है, तो लेकिन क्या करें, जाहिर है कमाना तो खाना, और वो ना कमाए तो फिर घर बैठ के तो कुछ भी नहीं मिलता है। मुजफ्फरगढ़ गए ने रस्ते च ने वापिस आ गए, हाँ जी ਇਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਾਂ ਟੂਆ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਟੋਂਗ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਾ, ਚਲੋ ਬਈ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਰਾਜਨਪੁਰ ਜਾਮਪੁਰ ਕੋਟ ਮਿੱਠਾ ਨੂੰ ਬੇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾਈਟਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਜਰਾਨੀ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਉਹ ਕੰਮ ਪੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਫੋਨ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਫਿਰ जो जॉब वो ढूंढ रहे थे वो कहते थे मुझे अपने लेवल की जॉब मिले, जिस लेवल को उन्होंने छोड़ी थी उस लेवल की जॉब नहीं मिल रही थी, वो परेशान थे, वो कहते थे क्या फायदा मेरे, वो पैसे किराए में लग जाए जो मुझे कुछ बचत होने घर के लिए, हर बंदा अपने घर के लिए कमाता है, और फिर अब उन्हें जब जॉब मिली है माशाल्लाह अच्छी जॉब मिल गई, कदम नहीं करना तो अच्छी जॉब मिल गई, फिर आप जॉब स्टार्ट, और कैश और मोहम्मद भी दोनों खेल रहे हैं गुब्बारे के साथ खेल, बाबा और अच्छा 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 पीछे एक मिनट ये भी दिखाऊं, तो ये जी बंटी और ये गाड़ी कार, तो आज ये आंख पे देख ले सारी सेलिंग हुई है, और अल्लाह ने आंख बचा दी मेरे, इसे छोनू मोनू की ऐसे क्या दिखाऊं, इधर देखो ऐसे ऐसे, बाय बाय करो, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, जाने लगे स्पादा पढ़ने, ठीक है जाओ फिर आप, और उसके बाद आके फिर स्कूल की तैयारी करना, उसकी ट्यूशन की अपनी की भी, जाहिर है जो काम उन्होंने दिया होगा ना वहाँ लिखना, क्योंकि है तो संडे आज, ठीक है, तो फिर स्कूल का जो काम वगैरह ना वो आपने करना है, फिर
फिर यूनिफॉर्म आपका मैं धो देती हूँ ताकि रात को सूख जाएगा, सुबह आप पहन के चल जाओ। अब क्या लेके आयो? ये फिर नहीं, फिर ये लेके आयो कि पहले वाली है ये? वालेकुम अस्सलाम। और बाबा आपने भी जाना पढ़ने से पादा अल्लाह पढ़ने जाना? नहीं नहीं। तो ये इधर देख लें जी, ये लगा हुआ है क्या मुंह बता रहे? गोभी गोभी खा रहे। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। ये देखे जो मोहम्मद आपको देखते ही बाहर से फटाफट भाग गए। उठा ले गोद में, उठा ले। वो कह रहे मुझे गोद में उठा। नहीं वो टूटी हुई है उसकी गाड़ी। गाड़ी टूटी हुई है? अच्छा। हाँ जी बाजी दानी कैसा चार है? मजेदार है। मजेदार है ना, चटपट है ना। चलो आलन तो कोई नहीं, खैर है साथ ने तो यही काम है। हाँ जी बाजी कह रहे थी कि चार खा के चेक करो कैसा बने है, लेकिन अचार माशाल्लाह बहुत अच्छा बने है, चटपटा। तो गल भी गई, गोभी भी गल गया, गोभी भी गल गई, लेकिन तेल कच्चा है ना। चलो गोभी का पीस तो मैं खा लिया, लेकिन गाजर ते नींबू है। हाँ चलो खाओ फिर, इन्हें भी मुकाओ। ये काट दें, इनके चार चार पीस कर दें, अपनी मर्जी है, चाहे इसके चार पीस कर ले, चाहे ऐसे रहने, चाहे इसको साबुत रहने दें। अगर हम इसका इतना मोटा रहने देंगे ना, तो इसमें हमने ना ये सुराख ऐसे तरीके से ना ये लाजमी कर देंगे। तो लेकिन हमने जो है ना चार चार पीस कर लिया, हमने कहा चार चार पीस कर लेते हैं वो सही रह जाएगा, और ये बना किसी के लिए मुरब्बे के लिए बन जाएगा। क्योंकि सर्दी जा रही है, सब कुछ खा रही है, लेकिन ये नहीं खा सके। गाजर का मुरब्बा नहीं खाया, फिर क्या है, बना भी लेंगे तो बहन भैया खा भी लेंगे, खा भी लेंगे हम, कैसा बनता है, कैसे इसका तरीका कार किया है। तो आपकी टोकेट आ गई? चलो जी आपकी टोकेट भी आ गई, और आपके पापा भी काम कर रहे हैं। और क्या अक्षय की भी उंगली पे चोट लगी है? बच्चों को सबको चोट, कल को सदका वगैरह दे पाता हूँ कुछ, ठीक है? मोहम्मद का जो जख्म है जिसे कल चोट लगी है काफी गहरा है। जनाब तो क्या कर रही है इस वक्त? पानी भी रख दो यार, आज पानी रख दो जरा गर्म। जो मुरब्बे के लिए काटी है धो के इसमें चीनी डाल के रख दे तो रात को, फिर ये कल दिन में बन जाएगा। ये जो गोभी है कटी तो इसे फ्रिज में रख देती हूँ, ये कल बन जाएगी। कल बनानी है गोभी? जी जी कल बनाएंगे। ठीक है, चारपाई थोड़ी पीछे कर दो ना, ये ऐसे कर देती हूँ। ऑन मोहम्मद ने असल में की थी ना आगे? हाँ जी ऑन मोहम्मद, तो फिर आप सबको पता ही है जैसे तंग करता है। सर बर्तन में धो दे, आप धो दे, सर सर मैं धो देता हूँ जी, हम धो देते हैं सर, बस ठंड सी होगी ना। आपके रखे हुए बर्तन मेरे का चले, ये भी धुल जाते हैं, क्योंकि रात को फिर बर्तन पड़े रहेंगे। चले पहले ना वो पानी गर्म रख लें, वो पाए वगैरह छील लें। अच्छा अच्छा ठीक है, उन्हें साफ कर लें। चले ऐसा कर लेते हैं। क्या करना है मजीद, क्योंकि दाल रखी हुई है, चावल बना लें साथ? पहले चावल बना लो, पाए बाद में करेंगे। चले चावल बना लेते हैं। ठीक है मैं चावल ले आऊं पहले। चले आप चावल ले। ओके ओके। जी चादर उतारी जा रही है यार, ठंड लग रही है। क्यों? पता नहीं क्यों, मुझे भी तो ऐसे ही लगती है ना। आज ना मुझे वाकई सर्दी सी लग रही है, आज मैं सुबह से मैं जैकेट नहीं पहन के गया ना, जर्सी वगैरह को पहन के गया। तो अपर वगैरह क्यों नहीं पहन के गए अपना? बस तो मेरे यार दोपहर हो जाएगी ना, तो उसमें ऐसा होगा कि वो मुश्किल हो जाएगी, फिर मैंने कहा गर्मी लगेगी मुझे, मुझे नहीं पता था वहाँ बहुत ठंडी हवा चल रही है। चलो अच्छा चलो मुझे थोड़े से धो दें फिर। चलो मैं बर्तन, या फिर ऐसा करते हैं कि बर्तन रहने दे, भी चावल बन जाते हैं फिर साथ ही बर्तन धुल जाएंगे। चलो हाँ इकट्ठे धो लेंगे सारे। हाँ जी चलो ये इसको जो साबुन लगा ना ये धो दें बस। तो जो कदम चले गए हैं जी चावल लेने के लिए, मगर अभी तक वो नहीं आए, जैसे ही आते हैं देखते हैं फिर क्या करते हैं। और मोहम्मद को देखो, मेरे ख्याल से दोनों का लगता है सो ना जाए, ये सो गए होंगे। हाँ जी ओन बाबा क्या कर रहे हो? कैशा पीछे सो गई है जी, कैशा तो सो गई है। अब ओन मोहम्मद का आप चेहरा देख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे इसको चोट लगी हुई है, क्योंकि और इसका मुंह भी नहीं धुलवाया मैंने, साफ किया कपड़े के साथ। और कैशा वो सो चुकी है इस वक्त जी, चावल आगे बुखार हो गया तेज, बुखार हो गया। तो फिर अब चले इजाजत लेते बहन भाइयों से फिर, ठीक है ना? ठीक है। तो जी हमारी वीडियो का यहीं पे होता है इख्तिताम, तबीयत
तबीयत थोड़ी सी आज खराब, तो लेता हूँ अभी जाकर दवाई। और जिस बहन भाई को हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अरे बहन भाई हो, आप इतना प्यार देते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो मैं पाकिस्तान इंडिया भी दोनों मालिक से देख रहे हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।